क्या हुआ जब अचानक से कल रात अयोध्या में आ गिरा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, यह घटना कल रात में हुई है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानो देवताओं की सीधी कृपा अयोध्या पर ही पड़ रही है। दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, जिससे पहले ऐसे अनोखी घटनाएं अयोध्या नगरी में देखी जा रही हैं। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके चलते वहां पे तैयारियां जोरों जोरों से है और देश भर में भी अयोध्या राम मंदिर के बनने की खुशी पूरे देश पर छाई हुई है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी सनातनी भाई को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से घटनाएं घट रही हैं, वह लोगों को सोचने पर विवश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की वीडियो पोस्टर मीडिया पर वायरल हो रही है और गिद्धों को झुंड को अयोध्या में देखा गया, उसके बाद भालुओं के झुंड को अयोध्या में देखा गया। ऐसे ही बहुत सी घटनाएं अयोध्या में घट रही है, लेकिन अब जो वहाँ घटना घटी है उसे देखने के बाद ऐसा महसूस होने लगा है जैसे भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या नगरी में आ रहे हो। उनसे पहले सभी अस्त्र शस्त्र, उनके जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, वह अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, कल रात सुदर्शन चक्र जब अयोध्या में आकर गिरा तो पल भर के लिए ऐसा लगा जानो पूरी धरती ही कांप उठी है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था और एक बड़ा स्फोट अयोध्या में हुआ, जिसे देख कर सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग के मन में ये शंका थी कि आखिर ये हुआ क्या। उसके पास जाकर देखा गया तो पता लगा कि वो सुदर्शन चक्र को देखकर सुदर्शन चक्र है। लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कथा गाने लगे। दोस्तों, सप्तवेदी वार का बहुत ही महत्व है, परंतु जिस टाइम उसको वहाँ देखा गया उसके बाद नासा के वैज्ञानिक तक वहाँ पहुँच गए और वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है। पर दोस्तों, यह प्रकृति कुछ अपने नियमों और कायदे कानून भी लेकर चलती है, जिसे विज्ञान की ताकत भी नहीं रोक सकती। जिस समय सुदर्शन चक्र वहाँ गिरा, उसके बाद भारी मात्रा में वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई और सभी रिपोर्टर, टीवी चैनल और सभी सोशल मीडिया वहाँ एकत्रित हो गया कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है। परंतु उस नजारे को देखने के बाद सबको भगवान पर श्री राम के विश्वास हो गया कि श्री राम वाक्य में ही अयोध्या में आ चुके हैं। पर जो समय गुजर रहा है वो 22 जनवरी के लिए गुजर रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल होगा। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में आप जानते ही होंगे, वह चक्र जो भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। सुदर्शन चक्र की मदद से भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया था। इस चक्र को विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय से तपस्या करके प्राप्त किया था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर वापस आ जाता है। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास एक अमोघ अस्त्र था, जो उनके कृष्ण अवतार के अंदर भी उनके साथ था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र की मदद से कृष्ण ने अनेक असुरों का वध कर दिया। यह असुरों का वध करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने धारण किया था। कहा जाता है कि प्राचीन समय के अंदर जब राक्षसों का अत्याचार देवताओं पर बहुत अधिक बढ़ गया तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और राक्षसों से बचाने का आग्रह करने लगे। तब भगवान विष्णु के पास भी कोई ऐसा अस्त्र नहीं था कि वो राक्षसों का वध कर सके। इस वजह से भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर जाकर 1000 नामों के शिव की स्तुति करने लगे। उसके बाद वे हर नाम के साथ एक पुष्प शिव को अर्पित करते थे। उसके बाद भगवान शिव ने विष्णु की प्रतीक्षा लेने के लिए विष्णु के लाए 1000 पुष्प में से एक पुष्प को छुपा दिया। भगवान शिव की माया की वजह से विष्णु को पता नहीं चल सका, वो एक पुष्प को ढूंढने लगे।
लगे। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को अपना एक नेत्र अर्पित किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और विष्णु को वरदान मांगने को कहा। तो विष्णु ने ऐसा मोक्ष शस्त्र देने की प्रार्थना की जिसकी मदद से राक्षसों का संघात किया जाए। फिर भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र दिया। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अनेक दुष्टों का वध किया। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की बेटी का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। सूर्य के अधिक ताप की वजह से वह अपना वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रही थी। तब भगवान शिव ने सूर्य का ताप लेकर सूर्य दर्शन चक्र को और पुष्पाभिमान को भी बनाया था। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख मिलता है। वेदवेन्यु मानक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धर्मशीला था। वे सदाचारी महिला थी। उनके पुत्र का नाम उपमन्यु था। इन लोग इतने गरीब थे कि उनके पास अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। वह अपने पुत्र को चावल का धोवर दूध के रूप में लाती थी। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ भोज पर गया, जहाँ पर उसने दूध से बनी हुई खीर खाई। तब उसे दूध के स्वाद के बारे में पता चल गया। उसके बाद बालक ने अगले दिन असली दूध की मांग की और चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। उसके बाद धर्मशीला ने बताया कि तुम विरूपाक्ष की सेवा करो। उसकी माता ने आगे बताया कि श्री रामा प्राचीन समय के महान असुर राजा थे। उसका प्रताप इतना तेज था कि उसने अपनी ताकत से तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और विष्णु की कुर्सी को छीनने का प्रयास करने लगा। इसकी वजह से विष्णु भगवान भी भयभीत हो गए और कैलाश पर्वत पर जाकर एक पैर की उंगली पर खड़े हो गए। खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। 1000 साल तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और विष्णु को सुदर्शन चक्र स्वीकार किया, जिसकी मदद से भगवान विष्णु राक्षसों का संहार कर सके। दोस्तों, इस अस्त्र की खास बात यह थी कि यह हवा के प्रचंड वेग की तरह तेजी से घूम सकता था और ये अपने दुश्मन को परमाणु बम की तरह भस्म कर सकता था। ये चांदी की शिलाओं से निर्मित है। इसके चारों ओर त्रिशूल लगे हुए हैं। इसमें अत्यंत विषैले विष होते हैं। इस अस्त्र को बनाने की विधि को गुप्त रखा गया है ताकि कोई इस विधि से ऐसा अस्त्र नहीं बना सके। इस चक्र को फेंका नहीं जाता है बल्कि इच्छा शक्ति से इसको दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ये उंगली से निकलने के बाद ये दुश्मन का नाश करके ही वापस आता है। सुदर्शन चक्र के अंदर 108 दांत होते हैं। ये 8 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम होता है। ये दुश्मन का तब तक पीछा करता है जब तक कि वो आत्मसमर्पण नहीं कर देता। आत्मसमर्पण करने के बाद भगवान विष्णु खुद उसे बचाने आते हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को अयोध्या में देखकर अब यह महसूस होता है कि सच में भगवान राम अयोध्या में आ चुके हैं, क्योंकि उनका अस्त्र उनका शास्त्र भी उनके पीछे पीछे अयोध्या में आ चुका है। तो आने वाली 22 जनवरी को आप भी अपने परिवार के साथ मिलकर इस राम दिवाली को मनाएं। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।